तो आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर्स विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में, जो करंट मार्केट प्राइस में बाइंग का सलाह रहेगा दोस्तों। और 400 रुपये का इनिशियल टारगेट रहेगा, जो बहुत जल्द आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही ये टारगेट अचीव हो सकता है। मिड रेंज परफॉर्मर है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का सलाह रहेगा। 66% के आसपास आपको अच्छा खासा तेज़ी मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो। ये इनिशियल टारगेट आपको अचीव होता ही देखेगा, क्योंकि कोविड के जैसे जैसे सिनारियो अगर और ख़राब होता रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड होगा। और अभी भी आपका जैसे भी चिप शॉर्टेज के कारण आपका जितने भी आईटी सेक्टर है सारे आपका थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। और अभी आईटी सेक्टर में फिर से दो कारण के लिए बहुत ज़्यादा बूम आता हुआ दिखेगा। एक कारण रहेगा चिप शॉर्टेज जो सॉल्व हो रहा है, कर्नाटक बेस्ड कंपनी है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर ने आपका लॉन्च किया है कि चिप शॉर्टेज को कम करते हुए आपका चिप प्रोडक्शन हो रहा है कर्नाटक बेस्ड कंपनी में। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि जब भी आपका कोरोना का हमने पिछले भी एविडेंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि जब भी आपका कोरोना का केसेस बढ़ चुका था इंडिया में, तो ऑनलाइन जितने भी आईटी सेक्टर था सारे सेक्टर और फार्मा सेक्टर आपका यही दो सेक्टर था जो बहुत ज़्यादा आपका डिमांड में ऑन डिमांड पे चला गया। तो विप्रो को बाइंग का सलाह रहेगा। 400 रुपये का बहुत इनिशियल टारगेट है, और उसके 405 का अगर टारगेट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से 420 के आसपास जाते हुए दिखेगा आपको। ये बहुत इनिशियल टाइम के लिए है, आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ये टारगेट अचीव हो सकता है। वैसे 459 का 18% का तेज़ी आपको इस स्टॉक में देख सकते हो, और अभी भी डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सिनेरियो बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। आज कैबिनेट में मीटिंग है कोरोना को बढ़ते हुए केसेस को लेके, आज एक बड़ा फैसला आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे ही टाइम पे आपका एक सिनेरियो पहले से बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर कभी भी खेल को पलट सकता है। तो सावधान होकर आपको मार्केट में कामकाज करना पड़ेगा, और पूरा स्टॉक में कोई भी स्टॉक में आप पूरा पैसा एक बार में मत लगाइए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। और डाइवर्सिफिकेशन से 2-3 स्टॉक अच्छे से स्टॉक पे और थोड़ा सा कम रिटर्न दे वो भी स्टॉक में आपको, जैसे कि डिविडेंड अच्छा पेट करता है, कोल इंडिया हो गया, HUL हो गया, ये सब कंपनी में आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बाकी सेक्टर के हिसाब से आपका रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, और डिप्रिसिएशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था सितंबर क्वार्टर में, नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ है पिछले क्वार्टर से, और EPS भी ग्रोथ ठीक ठाक है। लेकिन चिप शॉर्टेज ड्यू टू वन रीज़न ये स्टॉक जो है थोड़ा सा लैगिंग कर रहा है, और बूम बहुत जल्दी आएगा और एक दिन में 10% का भी सर्किट लगा सकता है ये स्टॉक। और इन्वेस्टर के लिए तो ये मल्टीबैगर पहले से भी साबित हो चुका है और अभी भी होने को कदार में है। और सबसे बड़ी बात है, रेवेन्यू कलेक्शन ईयरली 26% बढ़ा है, क्वार्टरली रेवेन्यू 14% बढ़ा है, एनुअल नेट प्रॉफिट 13% बढ़ा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अच्छा खासा बढ़ा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपका हेल्दी है। तो इंक्रीज़ किया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी, और प्रोमोटर प्लेजिंग भी 0 है। तो उस हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा सिग्नल जनरेट कर चुका है, क्योंकि RSI देखोगे तो 39 में है, जो स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन बोला जाता है। MFI 26.1 में है और ग्रीन हो चुका है, मतलब बेस्ट बाइंग जोन में आ चुका है MFI। तो यहाँ से आपको एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकता है, और मार्केट का सिनेरियो कुछ भी रहे लेकिन ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा तेज़ी दिखा सकता है। तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, विप्रो को बाइंग रेडर में रखो आप, और टारगेट बहुत अच्छा अच्छा निकाल के आएगा। और होल्डिंग का सलाह रहेगा जितना लॉन्ग हो सके इस टाइम पे उठा के माल बैठ जाओ, क्योंकि 360 के आसपास ये स्टॉक्स लास्ट लोइंग लेवल है, और उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में कोई खराबी है और नीचे जाएगा, चाहे ग्लोबल सिनेरियो या मार्केट का कुछ भी सिनेरियो रहे, क्योंकि IT स्टॉक पहले से ही बहुत ज़्यादा पीट चुका है और 66% डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और नियर 52 एक हाई है और नियर 52 एक लो है। तो यहाँ से एक शानदार तेज़ी आएगा, और ऐसे ही वीडियो एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो आप ही के चैनल मनी मेकर को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना कि अगला कौन सा स्टॉक के बारे में आपको एग्रेसिव टारगेट और